नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया और डेली क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 4 जनवरी 2021 और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों के बारे में, जहां पर एक तरफ आईपीएल 2021 के ऑक्शंस की तारीख को लेकर बीसीसीआई ऑफिशियल्स की तरफ से बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, वही दूसरी तरफ सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी का पूरा कार्यक्रम पूरी तरह से सेट हो चुका है। उसके अलावा भी यहां पर क्रिकेट से जुड़ी हुई बहुत सारी बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है और इस वीडियो में हम इन सभी खबरों के बारे में वन बाय वन पूरी तरह से विस्तार से खुलकर बातचीत करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो चलिए बिना समय गवाए अब हम बात करते हैं दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर यहां पर निकल कर आ रही है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज को लेकर, जहां पर 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा टेस्ट मुकाबला सिडनी के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में शुरू हो चुका है। काफी रोमांचक और शानदार यह मैच चल रहा है। इस मैच में हमें भारत की प्लेइंग 11 में काफी सारे बदलाव देखने को मिले हैं। नवदीप सैनी को यहां पर भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका मिला है। कप्तान अजिंक्य रहाणे ने उनके ऊपर काफी ज्यादा भरोसा जताया है। सिडनी के ग्राउंड को देखते हुए, सिडनी की पिच को देखते हुए यहां पर नवदीप सैनी को टीम में शामिल किया गया है। उनके अलावा रोहित शर्मा को भी यहां पर प्लेइंग 11 में जगह मिल गई है। भारत के टीम के वाइस कैप्टन है, साथ ही साथ ओपनिंग भी करने वाले हैं। लेकिन भाई यहां पर सिडनी के इस मैच को लेकर, थर्ड टेस्ट मैच को लेकर भाई क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी यहां पर काफी सारे प्रोटोकॉल्स में बदलाव किया है। पिछले सभी मैचों में, सीरीज में जितने भी मैच अभी तक हुए हैं, वहां पर हमें 50% ऑडियंस देखने को मिली है। लेकिन भाई इस मैच में हमें केवल 25% ऑडियंस देखने को मिलने वाले, क्योंकि सिडनी में लगातार कोविड-19 के केसेस काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते यह सख्त रूल यहां पर लागू किया गया और सभी जितने भी दर्शक हैं सभी के मुंह पर आपको मास्क दिखाई देंगे, क्योंकि भाई मास्क को लेकर यहां पर एक नया रूल आया है। यदि कोई दर्शक मास्क नहीं लगाता और उसको पकड़ा जाता है तो $1,000 का, यानी भारतीय करेंसी के हिसाब से लगभग ₹70,000 का फाइन उसके ऊपर लगने वाला है। तो भाई कहीं ना कहीं कड़े प्रोटोकॉल्स के साथ यहां पर सिडनी के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो यह खबर निकल कर आ रही है आईपीएल 2021 को लेकर। जी हां, बीसीसीआई अब पूरी तरह से जोरों शोरों से आईपीएल 2021 की तैयारियों में जुट गई है। जी हां, अभी हाल ही में बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की एक मीटिंग हुई थी, जहां पर आईपीएल गवर्निंग काउंसिल और बीसीसीआई ने मिलकर एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया और आईपीएल की जितनी भी फ्रेंचाइजियां हैं, जितनी भी टीमें हैं, उन सभी को यहां पर अपना ऑर्डर, अपना फरमान सुना दिया है कि भाई आप सभी को 21 जनवरी से पहले, यानी ये 10-15 दिनों का टाइम बीच में दिया है, 21 जनवरी से पहले सभी टीमों को अपनी टीम के रिटेन्ड और रिलीज्ड खिलाड़ियों की लिस्ट बीसीसीआई को सौंपनी होगी। 10-15 दिनों में जो मीटिंग सभी टीमों की होगी, उनके ऊपर जो भी अपडेट्स आएंगे, सभी अपडेट्स आपको क्रिकेट इंडिया पर लगातार मिलते रहेंगे। लेकिन भाई बीसीसीआई ने अब यह ऑर्डर सुना दिया है कि भाई 21 जनवरी से पहले सभी टीमों की रिटेन्ड और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट हम सभी लोगों के सामने आ जाएगी, और जैसे ही लिस्ट आएगी तो सबसे पहले अपडेट आपको क्रिकेट इंडिया पर ही मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि यदि आप सभी लोग क्रिकेट से जुड़े सभी अपडेट्स और साथ ही साथ सभी मैचों की फैंटेसी टीम जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आप टेलीग्राम पर जाकर क्रिकेट इंडिया 0 सर्च कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको क्रिकेट से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर सबसे पहले देखने को मिलने वाली है। तो चलिए अब हम बात करते हैं खबर की। तो यह खबर निकल कर आ रही है आईपीएल 2021 के ऑक्शन की तारीख को लेकर। सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था कि भाई आईपीएल 2021 में मिनी ऑक्शंस होंगे या फिर मेगा ऑक्शंस, तो भाई यह तो तय हो चुका है कि भाई आईपीएल 2021 में मिनी ऑक्शंस होने वाले। लेकिन उसके बाद एक और बड़ा सस्पेंस यही था कि मिनी ऑक्शंस होते हैं तो भाई किस तारीख को हमें आईपीएल 2021 के मिनी ऑक्शन होस्ट होते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो भाई इसके ऊपर भी यहां पर बीसीसीआई ऑफिशियल्स की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आई। आप सभी लोग साइड में स्क्रीनशॉट को बिल्कुल साफ साफ देख पा रहे होंगे, जहां पर भाई ऐसा बिल्कुल तय हो चुका है कि आईपीएल 2021 के ऑक्शन हमें फरवरी के सेकंड वीक में 11 फरवरी से 15 फरवरी के बीच देखने को मिल सकते हैं। बीसीसीआई के सोर्सेज के हवाले से जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि 11 फरवरी को आईपीएल 2021 के मिनी ऑक्शन कोलकाता में होस्ट किए जाने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो यह खबर भी आईपीएल 2021 को लेकर ही निकल कर आ रही
रही है बीसीसीआई के साथ साथ अब सभी फ्रेंचाइजियों ने भी आईपीएल 2021 के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। सबसे पहले यहां पर दिल्ली कैपिटल्स ने अपने कोचिंग स्टाफ को यहां पर बदलने का फैसला किया है। जी हां, दिल्ली कैपिटल्स ने अपने नए असिस्टेंट कोच को चुन लिया है। जी हां, परवीन आमरे को उन्होंने अगले दो सीजन के लिए, अगले दो साल के लिए अपनी टीम के असिस्टेंट कोच के पद पर नियुक्त किया है। भाई कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार ये खिलाड़ी रहे और कहीं ना कहीं यहां पर इस टीम को एक अच्छी स्थिति तक जरूर लेकर जाएंगे और ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही शानदार बदलाव हमें दिल्ली कैपिटल्स की मैनेजमेंट की तरफ से देखने को मिला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है भुवनेश्वर कुमार को लेकर। आप सभी को पता है कि आईपीएल 2020 के दौरान टीम इंडिया के बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार इंजरी का शिकार हुए थे। आईपीएल 2020 से वो बाहर हो गए थे, उसके बाद पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलियन टूर से भी वो बाहर रहे। अभी तक वो टीम में वापसी नहीं कर पाए हैं, इंजरी काफी गंभीर थी और भाई अभी भी ऐसी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही थी कि भाई उनको यहां पर काफी लंबे आराम की जरूरत है, आईपीएल तक वो वापसी नहीं कर पाएंगे। लेकिन भाई कल एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट यहां पर निकल कर आई और बताया जा रहा है कि इंग्लैंड के खिलाफ जो लिमिटेड ओवर की सीरीज होने वाली है, चाहे वो वनडे हो चाहे वो T20 हो, उस सीरीज में हमें भुवनेश्वर कुमार भारतीय टीम में वापसी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज ये है, क्योंकि भाई भुवनेश्वर कुमार का भी कोई अंदाजा नहीं था कि कब तक वो वापसी करेंगे। उम्मीदें ऐसी ही जताई जा रही थी कि आईपीएल 2021 में वो कमबैक कर पाएंगे, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ हमें वनडे और T20 सीरीज में भी भारत के लिए भुवनेश्वर कुमार खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच खेली गई टेस्ट सीरीज को लेकर, जहां पर दूसरा टेस्ट मुकाबला अब खत्म हो चुका है। न्यूजीलैंड टीम ने यहां पर एक बहुत ही शानदार अंदाज से एक बहुत ही बड़ी जीत दर्ज की, एक इनिंग और साथ ही साथ 176 रनों से एक बहुत ही शानदार जीत सेकंड टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड की टीम को मिली है। 2-0 से इस सीरीज को अपने नाम कर लिया है, लेकिन इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड की टीम ने एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। जी हां, हाल ही में जो आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग थी उनको भी जारी किया गया है, जहां पर न्यूजीलैंड की टीम अब पहले नंबर पर आ गई। और भाई पूरे क्रिकेट के इतिहास में न्यूजीलैंड की टीम क्रिकेट के इतिहास में, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार नंबर वन पर आई, तो भाई कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के लिए यह एक बहुत ही बड़ी बात और साथ ही साथ एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2021 को लेकर। और मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि 10 जनवरी से भारत में इस लीग की शुरुआत होने के लिए जा रही है, काफी लंबी ये लीग होने वाली है। 31 जनवरी 2021 को इसका फाइनल मैच खेला जाएगा और यहां पर बीसीसीआई ने इस सीरीज के लिए अपनी तैयारियां पूरी तरह से जोरों शोरों से कर ली है। सभी खिलाड़ियों का क्वारंटीन पीरियड यहां पर लगभग खत्म हो चुका है और भाई कहीं ना कहीं बस अब 3 दिन के बाद ही हमें यहां पर यह शानदार T20 लीग, भारत की डोमेस्टिक T20 लीग की शुरुआत होती हुई दिखाई देने वाली है। तो दोस्तों ये है आज 7 जनवरी 2021 की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें। इन सभी खबरों के ऊपर आपके क्या ओपिनियन और आपको कौन सी खबर लगी सबसे बेस्ट, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देना अपनी राय। फिलहाल के स्टूडियो में बस इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।